तो लास्ट क्लास में बेटा हमने जिनर डायोड का डिस्कशन किया था कि जिनर डायोड का क्या मैकेनिज्म है और उसका क्या क्या वर्किंग है। अब आगे आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे रेक्टिफायर का। तो हमारे सिलेबस में दो पार्ट हैं इसके, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले तो बात करते हैं ना, इट इज डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड एज ए रेक्टिफायर की बात करें तो उससे पहले ये देखिए कि रेक्टिफायर का काम क्या है। रेक्टिफायर तो भाई रेक्टिफायर क्या काम करेगा, इट कन्वर्ट्स एसी सिग्नल। तो बेटा जब मैं सिग्नल लिख रहा हूं तो उसका मतलब वो वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ें वो हो सकती हैं, या तो एसी वोल्टेज हो या वो एसी करंट हो, दोनों को मैं एसी सिग्नल में ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। तो एसी सिग्नल का मतलब क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट है ना, और डीसी का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट, माने कि क्या नहीं हो रहा उसमें, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं बदल रही ना। जैसे कि बात करें कि आप यहाँ देखो कि इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसी सिग्नल, ये एसी सिग्नल का एग्जाम्पल है। वहीं पर अगर मैं डीसी की बात करूँ बेटा, तो डीसी जो सिग्नल है वो इस तरह का होगा, दिस इज द डीसी सिग्नल, है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये। तो बेसिकली क्या काम करना है रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर काम करेगा बेटा आपका क्या, वो कन्वर्ट करेगा एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल के अंदर। ये बिल्कुल उल्टा काम करता है, किसका उल्टा काम करता है, इन्वर्टर का। कि घरों में आपने इन्वर्टर देखा होगा, तो वो जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, वो उल्टा काम करता है, वो डीसी सिग्नल को एसी में कन्वर्ट करता है ना। घरों में आपने इन्वर्टर देखा होगा तो बैटरी जो लगी हुई है वो तो चार्ज स्टोर करती है, वो किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेगी, अपने डीसी फॉर्म के अंदर। लेकिन जो हमारे घरों में जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, पंखे हों, फ्रिज हो, कुछ भी लगे, वो तो सब एसी के ऊपर काम करते हैं। तो एसी पे काम करें इसके लिए इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर बेसिकली उसको क्या करेगा, डीसी से एसी में कन्वर्ट करके और फिर आगे सप्लाई करता है। रेक्टिफायर उसका उल्टा काम करेगा, वो क्या काम करेगा, वो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में करेगा। तो ये रेक्टिफायर जो है ये दो टाइप का है हमारे सिलेबस में। सबसे पहला जो है दैट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल डायोड को यूज़ करेंगे। देखो क्या यूज़ करेंगे, सिंगल डायोड यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे मान लो कि आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका लोड रेजिस्टर लगा हुआ है बेटा। ये लेट अस से दिस इज़ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये आपका डायोड डी है। ये बेटा आपका यहाँ से आपको जो ये है ये इनपुट आपको मिलेगा, है ना, एसी सिग्नल है। देखो ट्रांसफार्मर के बारे में आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर डीसी पे तो काम करेगा नहीं, और ऑब्वियस है कि वो सिर्फ किस पे काम करने वाला है ना, प्रिंसिपल ऑफ किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्शन वाले पे, फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है, इसलिए एसी सिग्नल का ज़रूरी होना है ना। डीसी को तो हमें, डीसी में तो हमें करना ही है। ये इनपुट मिलेगा बेटा इस लोड रजिस्टर से, हम क्या ले लेते हैं, इस लोड रजिस्टर से हमने आउटपुट ले लिया, ठीक है। तो ये जो इनपुट जो आएगा इसके पास ना, इनपुट कैसा होगा बेटा, इनपुट साइनोसोडियल होगा।
इनपुट जो सिग्नल जाएगा किसके पास, यहाँ पे वो भी साइनोसॉइडियल होगा। और भाई ये तो सेकेंडरी, दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग, है ना, इसको प्राइमरी वाइंडिंग आप बोलते हो या प्राइमरी साइड बोलते हो। जो ये वाली जो वाइंडिंग है इसको सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना, या सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर हम कहते हैं। तो प्राइमरी से हमने क्या किया, इसको लिख देते हैं प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी साइड। और बेटा ये आपका क्या हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया। यस, ये डायोड यहां लगा हुआ है। तो ये तो बेसिकली इसका क्या हो गया बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हो गया कि इस तरह का सर्किट डायग्राम हम यूज़ करेंगे। अब इसकी वर्किंग देखो हम क्या करते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, है ना, प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा, वो लिख लेते हैं हम जरा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that during forward bias or during forward biasing diode offers negligible resistance, while Under reverse biased, it offers a high resistance. ये फंडा है। क्या करेगा बेटा, जब वो फॉरवर्ड बायस होगा वो कंडक्ट करेगा, और जब वो रिवर्स बायस होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है। तो ये तो वर्किंग प्रिंसिपल है इस हाफ वेव रेक्टिफायर का। चलो अब इसकी ये प्रिंसिपल था, अब वर्किंग देखते हैं बेटा, इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। वर्किंग देखो क्या होगा, एक्चुअल में जो सिग्नल आएगा वह इनपुट सिग्नल कैसा होगा, वो साइनोसॉइडियल होगा, है ना बेटा। कैसा सिग्नल होगा, साइनोसॉइडियल सिग्नल होगा। तो जरा मैं पहले इसका आपको इनपुट सिग्नल बता देता हूँ, इनपुट सिग्नल कैसा आ रहा होगा। इनपुट सिग्नल टू द डायोड और टू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज साइनोसॉइडियल, विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स। अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल से वो बिन करके बना होगा, आप सभी लोग जानते हो इसको बहुत अच्छे से। इस तरीके का इनपुट सिग्नल होगा आपके पास, ये इस टाइप का। अब बेटा देखो इसकी वर्किंग और आगे समझते हैं कि किस तरीके की होगी। कि भाई इसमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक बात देखो कि व्हेन पॉजिटिव साइकिल रीचेज एट डायोड डी, जब पहुंचेगी कहां पे, इस डायोड के पास, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि जो ये पॉइंट ए है वो हायर पोटेंशियल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, है ना। तो जब पॉजिटिव साइकिल डी पे पहुंची, द पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल
इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हो गया। ये डायोड का पी एंड है और ये डायोड का एन एंड है, तो माने कि ये जो डायोड डी है ये फॉरवर्ड बायस डायोड हो गया। द डायोड डी बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट कंडक्ट्स, वो कंडक्ट करेगा। और भाई जब वो कंडक्ट करेगा तो उसका जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो बिल्कुल वैसा वेव फॉर्म आएगा जैसा कि इनपुट में आया था। मैं उसके बेटा अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसकी वैल्यू यानी कि पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि भैया आपने प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं, सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं, ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो उस बात पर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड वो तो उसकी बात ही नहीं करें, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा किसकी, सिर्फ वेव फॉर्म की, वेव शेप की। तो भाई जब डायोड पॉजिटिव हो, जब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा तो इसका आउटपुट जो आएगा वो बिल्कुल वैसी वेव फॉर्म आएगी जैसे कि इनपुट में आपकी आई थी। तो उसको जरा यहां पर एक बार अलग से बना देते हैं। देखो तो ऐसा करते हैं, देखो ये बेटा इधर इनपुट सिग्नल बना देते हैं ना, ये आपका इनपुट सिग्नल है बेटा, और यहीं पे इसके नीचे हम क्या बना देते हैं, इसका आउटपुट सिग्नल। तो देखो भाई जब ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड हुआ यानी कि जब पॉजिटिव साइकिल गई तो कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है तो मतलब जैसी वेव फॉर्म इनपुट में थी वैसी ही वेव फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी किसमें, या वैसी वेव फॉर्म आपको मिलेगी आउटपुट के अंदर, तो बिल्कुल ऐसी मिल जाएगी। लो ये आउटपुट मिल गया आपको। अब अगले पार्ट में क्या होने वाला है, अगले पार्ट देखिए बेटा कि When negative cycle reaches at diode D, the point A is at lower potential with respect to B। तो इससे क्या हुआ, जो जो आपका डायोड था, द डायोड डी बिकम्स रिवर्स बायस्ड एंड इट डज नॉट कंडक्ट। और वो कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलने वाला, आपको आउटपुट में जीरो मिलेगा। ये लो कोई कंडक्ट किया ही नहीं तो बेटा बाहर यहाँ पे जो पोटेंशियल था, मैं लेट अस से कि पोटेंशियल की टर्म्स में बात कर लेते हैं, तो आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, आपको पोटेंशियल जीरो मिलेगा। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार अब फिर से पॉजिटिव साइकिल आ रही है, पॉजिटिव साइकिल आ रही तो फिर से यही सेम कहानी चलेगी क्या, कि डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ए हायर पोटेंशियल पर हो गया तो ये कंडक्ट कर जाएगा और आपको फिर से आउटपुट मिल जाएगा ऐसे, फिर ये रिवर्स बायस फिर से हो गया तो आपको क्या मिल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए फुल साइकिल। आपने इनपुट में तो पूरा का पूरा एक साइकिल दिया है लेकिन आउटपुट में इसने नेगेटिव जो साइकिल्स थी, नेगेटिव पार्ट जो था वेव फॉर्म का, उसको क्लिप कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है, उसको हटा दिया है। समझ में आया? सो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल वेव इनपुट we get only
हाफ साइकिल इन आउटपुट, देयरफोर इट इज नॉन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाएगा। बेटा इसमें आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है, इट्स एफिशिएंसी, ऑल्दो हम इसको बेटा बहुत मतलब ना के बराबर ही यूज करते हैं, इट्स एफिशिएंसी इज अराउंड 40%। इसकी जो एफिशिएंसी है बेटा 40% के अराउंड है। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज एफ, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज ऑल्सो एफ। अगर बेटा इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लिया अपनी एफ फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी एफ ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऑल्दो हम इसको जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसको ना के बराबर यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, बट ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। फिर से बता देता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा, इट ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और रिवर्स बायस के अंदर क्या करेगा, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वो कंडक्ट नहीं करेगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू ए फुल वेव साइकिल यू गेट ओनली हाफ वेव, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब एक बात ये आती है कि सर ये देखो यहाँ से इसने सिर्फ क्या पार्ट किया है, ये जो नेगेटिव साइकिल जो थी उसको क्लिप कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है, उसको हटा दिया है। ऑल्दो अभी भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो नहीं आया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पर और आगे बात नहीं करेंगे, बस इतना समझेंगे कि हाफ रेक्टिफायर में आपने क्या कर दिया, सिर्फ नेगेटिव साइकिल्स को क्लिप कर दिया। ये बात ध्यान रखना, कभी एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए कि किसी साइकिल्स को क्लिप कर दिया आपने, नेगेटिव साइकिल्स को क्लिप कर दिया, तो ये काम सिर्फ आपका डायोड कर सकता है और कोई ये काम नहीं कर पाएगा। नोट कर लो बेटा जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से। तो ये बेटा आपका है हाफ वेव रेक्टिफायर। बेटा अगला है अपना फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो भी अलग अलग टाइप का है, बट जो हमारे सिलेबस में है वो है फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला। अभी इसका डिस्कशन करते हैं। देखो नाउ स्टार्ट विद फुल वेव रेक्टिफायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है हमारे सिलेबस में जो है बेटा वो है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अलग अलग टाइप की हो सकते हैं बेटा ये। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें हमने सिंगल डायोड यूज़ किया था, फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ टू डायोड्स, दो डायोड यूज़ करेंगे। पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। देखो
ये बेटा इसको बोलते हैं सेंटर टैप। अब एक एक करके इसका मतलब समझाएंगे कि क्या मतलब है और किसका क्या काम है। ये आपका प्राइमरी साइड हो गया बेटा और ये आपका सेकेंडरी साइड है इस तरफ। ये बेसिक सर्किट डायग्राम है किस चीज़ का, दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसका क्या है, उसका बेसिक सर्किट डायग्राम है ये आपका। चलो देखो भाई किस तरह से इसका काम होगा। ये तो बेसिकली एक एक करके आपको समझाते हैं कि इसका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल तो बेटा वही है इसका भी कि ये फॉरवर्ड जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है कि जो फॉरवर्ड बायस जो रहेगा उसमें कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये फंडा है इसका। पहले एक एक करके समझाता हूँ कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या है और इसका क्या काम होगा, दो बातें हम समझते हैं। भाई ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी में जो हमने आउटपुट लिया है, सेकेंडरी में जो बेटा हमने आउटपुट लिया है वो क्या किया है, वो सेकेंडरी जो कॉयल है उसके बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट से आउटपुट लिया है यहाँ पे। यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ ऊपर की तरफ हैं उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स नीचे की तरफ हैं। सो द आउटपुट वायर टेकन इन द सेकेंडरी, टेकन इन द सेकेंडरी इज कनेक्टेड एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। जो सेकेंडरी जो कॉइल था बेटा उसके बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल मिड पॉइंट से हमने क्या किया है, एक वायर को कनेक्ट करके क्या कर लिया, एक आउटपुट ले लिया उसका, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है सर इसका खेल क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी बात करें तो बेटा देखो एक तरह से इसको ऐसे समझेंगे कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, दो पार्ट हो गया। ऊपर की तरफ वोल्टेज V1 मानता हूं और नीचे की तरफ वोल्टेज V2। अब जो सेकेंडरी जो कॉइल है उस सेकेंडरी कॉइल के अंदर दो पार्ट बन गए हैं, एक को अपर पार्ट बोल सकते हो और एक को लोअर पार्ट बोल सकते हो, है ना। सेकेंडरी में दो पार्ट बन गए, एक ऊपर वाली कॉइल और एक नीचे वाली कॉइल। तो जो V1 और V2 जो है वो मान लेता हूँ उनके अक्रॉस क्या है बेटा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो उसका सेंटर टैप का फायदा क्या होगा कि जो इनपुट सिग्नल यहाँ रहेगा इसके पास, इस वाली कॉइल के पास, और जो इनपुट सिग्नल इस वाली कॉइल के पास रहेगा उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। यानी कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का काम क्या हुआ, द इनपुट सप्लाइड एट द अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एंड द इनपुट प्रोवाइडेड टू द सेकेंडरी और टू द लोअर हाफ ऑफ द कॉइल, उन दोनों में फेज डिफरेंस आ गया 180 डिग्री का, ये काम आ गया। तो लिखें जरा इसको क्या, द इनपुट वोल्टेज V1 एंड V2 आर आउट ऑफ फेस 180 डिग्री एंड दिस इज डन बाय सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ये बेटा जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है इसी ने किया है, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ही कर पाया है ये, क्या कि V1 और V2 दोनों को आउट ऑफ फेस 180 डिग्री रखेगा, पाई का फेज डिफरेंस ही रखेगा। फेज डिफरेंस का मतलब अभी बताते हैं क्या मतलब होगा।
पहले ज़रा इसकी और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। ये तो एक बात हो गया। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या है? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मतलब सिंपल जो नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो सेकेंडरी जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के बिल्कुल मिड पॉइंट से हमने एक आउटपुट वायर ले लिया है और ऐसे ड्राइव से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके देखो क्या होगा, इन सेंटर टेप या इसको सिंपल ऐसे लिखो, इन फुल वेव रेक्टिफायर वी यूज टू डायोड्स D1 एंड D2। दो डायोड्स हमने कनेक्ट किए हैं बेटा, एक D1 और एक D2, एंड कनेक्टेड एच्योन, जैसा कि आपको इस सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है ये वैसा कनेक्ट हमने इसको कर दिया है। तो अब एक बात देखो कि किस तरह का इसका काम कैसे करेगा ये बेटा। ये मान लेते हैं कि दिस इज द इनपुट टू जो V1 जो है बेटा, V1 मान लो कि V1 के पास जो साइकिल जाएगी वो ऐसे जाएगी, ये मान लिया जो V1 जो इनपुट साइकिल है उसके पास, ठीक है। अगर V1 ऐसा था तो V2 जो आएगा बेटा आपका, V2 तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आने वाला है। तो जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेस बनाओगे तो उस केस में आपका जो सिग्नल बनेगा वो तो ये बनेगा, ऐसा। अब मतलब समझो इसका कि जब डायोड D1 के पास पॉजिटिव साइकिल जाएगी उसी टाइम पे जो दूसरा डायोड D2 है उसके पास नेगेटिव साइकिल जाएगी। जब D1 के पास नेगेटिव साइकिल जाएगी उस टाइम पे D2 के पास पॉजिटिव साइकिल जाएगी, यानी कि अल्टरनेटिव चल रहा होगा। D1 के पास जब पॉजिटिव साइकिल, D2 के पास नेगेटिव साइकिल, जब D2 के पास पॉजिटिव साइकिल, D1 के पास नेगेटिव साइकिल। और यहाँ बेटा एक फाइनल डायग्राम मैं बनाऊँगा और वो डायग्राम किसका बना देंगे, वो डायग्राम आपको बनाते हैं किसका, आउटपुट का, जो आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ से जो लॉड रजिस्टर से जो मिल रहा है आपको। देखो भी बड़े बहुत आसान शब्दों में समझते हैं, फिर लिखवा देंगे इसको कि भाई जब एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो इनपुट जा रहे हैं साइमल्टेनियस इनपुट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि D1 के पास पहले ये चला गया फिर D2 के पास ये जाएगा। दीज आर द सिग्नल्स विच आर गोइंग साइमल्टेनियसली, दोनों को सेम टाइम पे ऐसे सिग्नल जा रहे हैं। तो देखो जिस टाइम पे यहाँ पॉजिटिव सिग्नल D1 के पास पॉजिटिव सिग्नल हुआ, तो जब D1 के पास पॉजिटिव सिग्नल होगा इसका मतलब A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल। जब क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी किसके पास बेटा, डायोड नंबर D1 के पास, उस टाइम पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, माने कि डायोड D1 इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस्ड है। उसी टाइम पे एट द सेम टाइम D2 के पास क्या होगा, नेगेटिव साइकिल आएगी, और नेगेटिव साइकिल आने का मतलब क्या हो गया कि जो सी पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पे है और D हायर पोटेंशियल पे है। इसके कारण से ये जो डायोड D2 है ये आपका रिवर्स बायस्ड हो गया। इसका मतलब जब पहली बार पहली साइकिल जो आई इसके पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये डायोड ने कंडक्ट किया, D2 ने कंडक्ट नहीं किया। तो अगर सिर्फ D1 ने कंडक्ट किया तो जो D1 वाला जो है ना, आप इसको यहां ऐसे भी ले सकते हो, दिस इज इनपुट टू D1 एंड दिस इज इनपुट टू D2। ये D2 को इनपुट है ये वाली साइकिल।
तो आउटपुट में तो सिर्फ इसका आएगा, इस वाले के कारण से तो कुछ आएगा ही नहीं, तो सिर्फ ऊपर वाली साइकिल आ जाएगी आपकी। ये लो इस तरह से ये आ गया। अब अगले जो अगला जो पार्ट है उसमें क्या होगा कि D1 के पास नेगेटिव साइकिल जाएगी, तो D1 के पास जब नेगेटिव साइकिल जाएगी बच्चों, उस टाइम पे A तो क्या हो गया लोअर पोटेंशियल पर और B आपका हो गया हायर पोटेंशियल के ऊपर, तो यानी कि डायोड नंबर D1 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा, वह रिवर्स मोड के अंदर चला गया। जब D2 की बात करेंगे तो D2 के पास पॉजिटिव साइकिल जाएगी, पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो C हायर पोटेंशियल पर, D लोअर पोटेंशियल के ऊपर, और वह फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो इस बार D2 कंडक्ट करेगा। D2 कंडक्ट करेगा तो जो D2 की जो वेव फॉर्म है वो आपको मिल जाएगी ऐसे। तो यानी कि इस वाले केस में बेटा D1 ने तो कंडक्ट किया था, D2 ने कंडक्ट नहीं किया। जब इस वाले केस में बात करेंगे तो D1 ने कंडक्ट नहीं किया, D2 ने कंडक्ट किया, और फिर से जब पॉजिटिव साइकिल जब ऊपर वाले के पास पॉजिटिव जाएगी तो वो फॉरवर्ड बायस्ड, D2 रिवर्स बायस्ड, तो हमें अल्टरनेटिवली क्या हो रहा होगा बेटा, इस तरह का पैटर्न मिलता रहेगा लाइक दिस। तो इस बार आप देखेंगे कि आपको क्या मिला कॉरस्पॉन्डिंग टू ए फुल साइकिल, फुल साइकिल की कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, एक फुल साइकिल ही मिल गई है। तो कॉरस्पॉन्डिंग तो बेटा ये जो सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्या जो बातें आपको समझाई, ये सब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का तो आपको लिखनी पड़ेगी कि उस पर जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो वो फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या भी लिखवा देते हैं, रुक जाओ एक सेकंड। तो अल्टरनेटिवली आप देख रहे हो कि भाई अल्टरनेटिवली दोनों डायोड्स क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, एक बार D1 कंडक्ट करता है और एक बार D2 कंडक्ट करता है, अल्टरनेटिव कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है बेटा, अभी भी आपको कॉन्स्टेंट आउटपुट नहीं मिला, तो उसके लिए हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं, वो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये डायग्राम बनाओ आप सब लोग, फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो बेटा इसकी वर्किंग देखो किस तरह की है, मैं लिखवा देता हूँ ये सब जो आपको बताया। ये कह रहे व्हेन पॉजिटिव साइकिल रीचेज एट डी वन At the same time, negative cycle reaches at diode D2. जिस टाइम पर पॉजिटिव साइकिल D1 पर पहुंच रही है, उसी टाइम पर जो D2 है उस पर नेगेटिव साइकिल पहुंच रही है, ठीक है। So A is at higher potential, A is at higher potential with respect to B, therefore diode D1 becomes forward biased and it conducts, वो conduct करेगा। At the same time, क्योंकि भाई नीचे की तरफ negative cycle जा रही है ना, at the same time point C is at lower potential while with respect to point D, therefore it becomes reverse biased and it does not conduct। बेटा वो कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि जब ये वाली जो साइकिल आई है, पहली हाफ जो साइकिल आई है, तो दो डायोड में से एक ही कंडक्ट कर रहा है,
दोनों डायोड एक साथ कंडक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा। आपने यहाँ पे भी देखा कि अल्टरनेटिवली डायोड कंडक्ट करेंगे, दोनों डायोड से एक साथ कंडक्ट नहीं करेंगे। तो भैया आउटपुट में आपको क्या मिला, आउटपुट में आपको वही वेवफॉर्म मिली जो कि D1 से आपको मिल रही थी, वो सेम आउटपुट मिला। आगे देखो मैं इधर से रब कर देता हूँ बेटा, होपफुली सभी ने नोट कर लिया होगा ना। देखो अब आगे क्या होगा, सो नाउ व्हेन नेगेटिव साइकिल रीचेस एट डायोड D1, अब डायोड अभी अगली बार तो अब उसको नेगेटिव साइकिल ही आनी है। When negative cycle reaches at diode D1, at the same time, positive cycle reaches at diode D2, उसी time पे positive cycle पहुंच जाएगी D2 के पास। तो अब होगा क्या इसके कारण से कि for diode D1 पॉइंट ए इज एट लोअर पोटेंशियल, इज एट लोअर पोटेंशियल वाइल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी एंड इट बिकम्स रिवर्स बायस्ड। वो रिवर्स बायस्ड हो गया और कंडक्ट नहीं करेगा एंड डज नॉट कंडक्ट। कंडक्ट नहीं करने वाला एट द सेम टाइम फॉर डायोड D2, उसी टाइम पे बेटा डायोड D2 जो है पॉइंट सी इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी के रिस्पेक्ट पे पॉइंट सी हायर पोटेंशियल पे फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। It becomes forward biased and it conducts. वो भाई conduct करेगा जो D2 के पास जो positive cycle जो जा रही थी वही आपको output में मिलेगी जैसा कि हमने बताया था आपको। So in this way alternatively डायोड D1 and D2 अल्टरनेटिवली D1 and D2 कंडक्ट्स इन द आउटपुट वी गेट फुल साइकिल हमें आउटपुट में मिला बेटा। अल्टरनेटिवली D1 और D2 ने कंडक्ट किया, दोनों एक साथ कंडक्ट नहीं करेंगे है ना, दोनों एक साथ कंडक्ट नहीं करेंगे। देखो तो ये बेटा इसकी क्या हो गई, ये इसकी वर्किंग हो गई। लेकिन आपने आउटपुट वेवफॉर्म के अंदर देखा था कि नेगेटिव साइकिल तो खत्म हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए फुल वेव साइकिल हमें आउटपुट में फुल वेव साइकिल ही मिली, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहा गया। कॉरस्पॉन्डिंग टू लिख लो सभी लोग, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए फुल वेव वी गेट द फुल वेव एज ए आउटपुट, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहा गया। लेकिन उसके अंदर भी बेटा जो आउटपुट अभी आया था अपना, उस आउटपुट के अंदर क्या हुआ, उस आउटपुट के अंदर सिर्फ नेगेटिव साइकिल खत्म हुई, अभी भी कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड तो नहीं आया है ना। सिर्फ क्या हुआ, आपको जो आउटपुट मिला उस आउटपुट को मैं दोबारा से यहाँ बना रहा हूँ बेटा। आपको जो अभी आउटपुट मिला वो अपने को बेटा आउटपुट ऐसा मिला था, मैं बना देता हूँ इसको, देखो ये लो, थोड़ा सा इसको सही सा बना दिया कि ये आउटपुट आपको मिला, ठीक है। लगभग पीक तो सभी का सेम ही रहेगा,
ये लो ये बन गया, चलो ये आउटपुट मिला था, लेकिन मुझे आउटपुट तो लगभग लगभग कांस्टेंट चाहिए था, वो नहीं मिला अभी। तो उसके लिए बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ फिल्टर सर्किट। यूज़ ऑफ फिल्टर सर्किट, भाई फिल्टर सर्किट दो तरीके से हो सकता है, एक तो आरसी सर्किट का होगा कि हमने क्या किया बेटा, ये जो आपका लोड रजिस्टर था इसके पैरेलल में इस बार क्या कर दिया, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया ऑफ हाई कैपेसिटेंस, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक कैपेसिटर ऑफ हाई कैपेसिटेंस, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू RL, जो लोड रजिस्टर है आपका, उस लोड रजिस्टर के पैरेलल में आपने क्या कर दिया, एक हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, इसको फिल्टर सर्किट कहा जाता है, है ना। एक काम और भी हो सकता है बेटा कि सीरीज में इंडक्टर भी लगाया जा सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑल्सो एन इंडक्टर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विद RL, both these arrangements are known as फिल्टर सर्किट। उसको बेटा क्या कहा जाएगा, इन्हीं दोनों अरेंजमेंट को फिल्टर सर्किट कहा जाएगा। हमें जो पढ़ना है वो पैरेलल में जो हमने जो कैपेसिटर लगाया है वो वाला अरेंजमेंट पढ़ना है। तो देखो इसका क्या फ़ायदा होगा उसकी बात करते हैं, क्या एडवांटेज मिला, क्या इसकी वर्किंग हुई फिल्टर सर्किट को लगाने की। देखो भाई जब हमने कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया तो होगा क्या, देखो पहले समझ लेते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल कैपेसिटर के पास आएगी, भाई कैपेसिटर के पास तो क्या जाने वाला है, भाई कैपेसिटर के पास जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो पॉजिटिव जो कैपेसिटर है वो अपने आप को क्या कर लिया, उसने अपने आप को चार्ज कर लिया। चलो ये लो इस तरीके से आ गया। अब जब मैं ये अब जो ब्लैक पेन से बेटा जो आउटपुट बनाऊंगा वो एक्चुअल आउटपुट मिलेगा जो यहाँ से आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज करेगा अपने आप को। डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होगा कि भाई उस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हम उसको क्या कोशिश करते हैं कि वो लगभग लगभग जो है वो क्या रहे बेटा, वो कॉन्स्टेंट रहे, ऐसे कि वो जो फॉल करे उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, वो कैसे करेंगे वो अभी बताऊंगा, लेकिन हमने ऐसे अरेंजमेंट सेट किया है कि अब जो आउटपुट वेवफॉर्म जो अभी आपको मिल रही थी बेटा ऐसे जो गिर गई थी बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया तो भाई कैपेसिटर लगाने से आउटपुट वही मिलेगी जो कैपेसिटर के अक्रॉस है, वही RL के अक्रॉस मिलने वाली है। तो कैपेसिटर अब क्या करेगा, जब डिस्चार्ज करेगा तो उस टाइम पे इसकी हाई वैल्यू ऑफ सी रखी है, वो क्या फंडा है उसको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो होगा क्या कि अब ये जो वोल्टेज फॉल करेगी, हम इसका अरेंजमेंट ऐसे करते हैं कि ये जो वोल्टेज फॉल करे इसका रेट बहुत कम हो, तो यानी कि यहाँ पे जो पीक वैल्यू जो थी लगभग उसी के आसपास आपको आउटपुट देगी। फिर अब फिर से पॉजिटिव साइकिल आ गई, पॉजिटिव साइकिल आ गई तो ये फिर से क्या करेगा, फिर से चार्ज कर लेगा अपने आप को। फिर जैसे नेगेटिव साइकिल आएगी उस टाइम पे फिर क्या कर लेगा, ये फिर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, ऐसे ऐसे। तो अगर मैं अब बात करूँ तो मैं ये ब्लू पेन से अगर हटा दूँ बेटा ये, या ऐसे ऐसे कर लो कि इसको डॉटेड बना देते हैं ना, ये इस तरह का जो ब्लैक पेन से मैंने जो बनाया है बेटा आउटपुट, आपको एक्चुअल आउटपुट यही मिलेगा। तो आप देखोगे कि अब लगभग लगभग आपको क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट आउटपुट मिलना शुरू हो गया,
तो ये यूज़ है फिल्टर सर्किट का कि उसने बेसिकली जो कांस्टेंट आउटपुट नहीं मिल रहा था, फिल्टर सर्किट की मदद से हमें वो कांस्टेंट आउटपुट मिल गया। सो क्या लिखें इसको, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, या बेटा पहले एक बार ये इतना नोट करो फिर इसको लिखवा रहा हूँ, एक सेकेंड नोट करो इसको जल्दी से। तो ये बेटा फिल्टर सर्किट बता दिए कि पैरेलल में ये हम कनेक्ट करेंगे, लिखो जरा, व्हेन द वोल्टेज, इसका कैसे काम करेगा वो बता रहा हूँ बेटा, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज राइजिंग, कैपेसिटर इज राइजिंग, इट गेट्स चार्ज, इट गेट्स चार्ज इफ देर इज नो एक्सटर्नल, इफ देर इज नो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, इट रिमेन्स अनचार्ज्ड, और यू कैन से इट रिमेन्स चार्ज्ड, वो चार्ज ही रहेगा टू द पीक वोल्टेज, टू द पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट, जो रेक्टिफाइड आउटपुट है बेटा उसकी पीक वैल्यू तक वो चार्ज हो जाएगा, वही उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। बट व्हेन देयर इज लोड रेजिस्टर, व्हेन देयर इज लोड रेजिस्टेंस, इट गेट्स डिस्चार्ज्ड, इट गेट्स डिस्चार्ज्ड थ्रू द लोड, एंड द वोल्टेज, एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट बिगिन्स टू फॉल, इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल, in the next half cycle of rectified output is again gets charged to the peak value, तो इस तरीके से ये क्या करेगा बेटा, आपको आउटपुट इस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, द आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन बाय यूजिंग कैपेसिटर, यूजिंग कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इज नियरर टू द पीक वोल्टेज ऑफ रेक्टिफाइड वोल्टेज, दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज मोस्टली यूज और मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पावर सप्लाईज, जो पावर सप्लाईज है उसमें मोस्टली इसको क्या करते हैं बेटा, मोस्टली वहां पे इसको यूज करेंगे, कर लो नोट।
ये फिल्टर सर्किट का बेटा काम हुआ आपका, इस तरीके से काम करता है। अब इसमें एक बात ये रह गई बेटा कि हम इसमें हाई कैपेसिटेंस क्यों यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि वाई हाई सी इन फिल्टर सर्किट। ये जो आपने फिल्टर सर्किट यूज़ किया है बेटा, इसमें हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि हाई कैपेसिटेंस हाई कैपेसिटेंस, तो वो हाई कैपेसिटेंस क्यों यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में देखो, जो आउटपुट जो मुझे मिल रहा था, तो मैं क्या चाह रहा था कि पीक वैल्यू से जब वोल्टेज गिरना शुरू करे तो बहुत कम रेट से गिरे, माने कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए। तो वो जो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज है ना बेटा, रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज वो है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम कांस्टेंट के, है ना। जो आरसी सर्किट है उसका जो टाइम कांस्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ये बात जानता हूँ, आरसी सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट है बेटा वो तो क्या है, टाउ इक्वल टू आरसी। तो भाई जो रेट ऑफ फॉल है, रेट ऑफ फॉल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RC, ये बात हो गई। मैं क्या चाहता हूँ, देखो आर तो फिक्स है, ये लोड रजिस्टर तो फिक्स है, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, जहाँ से आपको आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ फॉल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। मैं क्या चाहता हूँ, रेट ऑफ फॉल शुड बी वेरी लो, रेट ऑफ फॉल माने जिस गति से वो गिर रहा है, है ना, जिस गति से वो वोल्टेज पीक से गिरेगी वो बहुत कम चाहता हूँ। तो वो बहुत कम अगर आप चाहते हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इट इम्प्लाइज सी शुड बी हाई। उसके लिए इस कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। फिर से समझो बेटा कि क्या आपको चाहिए, कि पीक आउटपुट जो आपको मिल रहा है, रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज बेटा, उसकी जो पीक वैल्यू जो आई, पीक वैल्यू से वो बहुत कम रेट से गिरे, रेट ऑफ फॉल बहुत कम हो, आप ये चाहते हो। रेट ऑफ फॉल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, टाइम कॉन्स्टेंट के, जो कि आरसी के बराबर है। आर में आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, वो फिक्स्ड है, यानी कि आपके हाथ में सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो आरएफ को यानी कि रेट ऑफ फॉल को हाई रखने के लिए, लो रखने के लिए मुझे सी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हाई सेट करना पड़ेगा। अब बेटा और देखो, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछते हैं कुछ कुछ, वो और बता देता हूं आपको कि इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर बेटा इनपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव में आपने एफ दी है तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको वो 2f मिलेगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 2f, डबल हो जाएगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इसकी बेटा जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी अराउंड 70% के आसपास है। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी जो एफिशिएंसी आपको मिलेगी वो अराउंड 70% मिलेगी। सो दिस इज़ योर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपका क्या है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है बेटा। इसके अलावा एक बार कभी कभार पता नहीं एग्जाम में ऐसे ही कोई पूछ सकता है, एक हम यूज़ करते हैं बेटा ब्रिज वेव रेक्टिफायर, बट इसका सर्किट बता देता हूँ बस कैसे होगा। ब्रिज वेव रेक्टिफायर ये भी फुल वेव ही है बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपने देखा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें एक डायोड इस्तेमाल किया, जो हमने सेंटर टेप फुल वेव जो यूज़ किया उसमें क्या किया, हमने दो डायोड यूज़ किए। जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर है बेटा इसमें 4 डायोड यूज़ करेंगे, 4 डायोड्स आर यूज्ड। इन 4 डायोड में क्या होगा बेटा, दो में जब हमने 2 डायोड यूज किए तो क्या हुआ कि 50% डायोड ही एक बार में कंडक्ट किया, यानी 2 में से 1 ही डायोड एक बार में कंडक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, 2 डायोड्स कंडक्ट एट ए टाइम, एक बार में 2 ही डायोड्स कंडक्ट करेंगे और अल्टरनेटिवली कंडक्ट करेंगे। इसका जो बेसिक डायग्राम है वो बता देता हूँ मैं आपको,
ये कुछ कुछ इस फॉर्म के अंदर बनेगा। मैं आपको बना देता हूँ पूरा। यहां से आउटपुट लेते हैं, मतलब ये बस थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि भाई जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर है वो इस तरह का होगा। और बेटा इसकी जो एफिशिएंसी है, जो आपका ब्रिज वेव रेक्टिफायर है, इसकी एफिशिएंसी लगभग 82% के आसपास रहती है। तो यानी कि एफिशिएंसी की टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी किसकी है? ब्रिज वेव रेक्टिफायर की, जिसमें 4 डायोड आप इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद है आपका जो सेंटर टेप फुल वेव ट्रांसफार्मर, उसकी रेक्टिफायर उसकी, और फिर हाफ वेव की। सो ये आपका क्या था बेटा, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स थे। इसमें दोनों तरह के सर्किट्स हमने पढ़ लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर इसकी रीडिंग आप कर लेना। थैंक यू।